जमीन हमारी है, हम अपनी जमीन का पानी ही पिएंगे। और किसान और सरदार की पगड़ी से आज नहीं आने दी जाएगी, तो पूरे बॉर्डर खाली हो जाएंगे। उसके एक दिन बाद में ये बॉर्डर खाली आएंगे, आप अपने समर सेल करेंगे और अपने जमीन हमारी है, हम अपनी जमीन का पानी ही पिएंगे। वो कहावत साबित होगी कि अपने घर में थोड़ा खुद एक पानी पीने की हिम्मत इस किसान में है। हम देश को अनाज दे सकते हैं अपने खेत में पानी खोल के, कि यहाँ पे किसान आया है, यहाँ का ही पानी या तो दो घंटे हमको जवाब देते हैं पानी है तो उत्तर प्रदेश सरकार देते हैं, नहीं तो मशीन मंगवाते हैं। यहाँ पे ही समर सेविल होंगे और हम यहाँ का ही खोता हुआ पानी छोड़ेंगे। सरकार ने ये कहा कि हमारी जो सीमा है वहाँ पे लगे हुए हैं, तो उसको यूज करना कर सकता है। हमें दिल्ली की सीमा का टैंकर इधर नहीं चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश सरकार का ही पानी चाहिए या फिर हम अपनी जमीन का पानी ही खोद कर दिए। क्या समय सीमा दी है इसके लिए आपने उनको? अभी एलआईओ के उसके लोग होंगे, बुलवाए हमने उनसे, हम बोल रहे हैं अगर वे नहीं देंगे तो हम अपनी व्यवस्था करेंगे। अधिकारी से बुलवाए कारण करता हूँ। किसान 26 तारीख की कॉल मेरी थी, वो किसान जो 4 लाख ट्रैक्टर लेके दिल्ली में आया, जो 20 लाख आदमी दिल्ली में आया, उसकी पूरी जिम्मेदारी राकेश जी कह देता है। जो भी नोटिस होंगे, जो भी मैं गड़बड़ करी है, अगर मेरे किसान ने करी है, उसकी सजा होगी, मैं देखूंगा। किसान विकृति होकर जाएगा, किसान सम्मान के साथ मंदिर से जाएगा। जब किसान यहाँ से जाएगा उसके ऊपर फूल बरसने जाएंगे। सरकार लोग को जिस तरह से बेइज्जती कर एक कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश करी, उसका पर्दाफाश होगा और किसान और सरदार की पगड़ी से आज नहीं आने दी जाएगी। हम भारत सरकार से बातचीत करेंगे, जो हमारे इशू है उस पर बातचीत होगी और उस पर समझौता जो होगा उसी समझौते के बाद में हम यहाँ से इन बॉर्डरों को खाली करेंगे। तो मतलब पूरे बॉर्डर खाली हो जाएंगे, उसके एक दिन बाद में ये बॉर्डर पंचायत से पंचायत पूरे देश बाद पंचायत हो रही है, जैसी रिपोर्ट आएगी हमारे। धन्यवाद।